dear students, welcome to BL online classes. हम आज बात कर रहे हैं English के जो topic अपना चल रहा था narration. कौन सा topic? Narration. इस topic में हमने narration के बारे में थोड़ी जो details थी वो देख ली थी पहले. फिर देख ले कितने type के होते हैं ये, उसके parts क्या होते हैं, इसके rules कर लिए थे कुछ rules क्या किए थे हमने, इसके ये rules किए थे, verb कैसे change करने, pronoun कैसे change करने, अब तक इतने किए थे और अब हम आगे करते हैं. तो verb change करने एक बार revise करवा लें, मेरे साथ साथ बोलते जाएं, बिना देखे बोलें. कैसे किया था? सबसे पहले क्या था? First form doodles, इसको कैसे किसमें change किया था? Second form या did में. इसको किसमें चेंज किया था? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में इसको नो चेंज. फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या था? इज एमआर को किसमें चेंज किया था? वॉज वर को किसमें चेंज किया था? नो चेंज. नेक्स्ट क्या था? शाबाश, साथ में रिपीट करते जाएं. हैज हैव को किसमें Had को no change. इसी टाइप से आप याद रखना. बाद में आए थे मॉडल्स क्या थे? कैन को गुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को गुड में, मस्ट को हैड टू में, इस टाइप से चेंज किया था. अब हम बात करते हैं कुछ अदर्स चेंज होते हैं जो इसमें सम हेडिंग लवर्स में सम अदर चेंज. अब सम अदर चेंजेस के क्या क्या होते हैं, तो स्टूडेंट सम अदर चेंज में हमने देखा था जैसे टुडे को किसमें बदलेंगे? दैट डे. ध्यान रहे टू को दैट में बदला, डे का डे लगा दिया. तो इसी टाइप से हम करेंगे टू नाइट इसको किसमें बदलेंगे? दैट नाइट. आप इसी प्रकार से यस्टरडे को किस में बदलना होता है? द प्रीवियस डे या लास्ट डे. टुमारो को किस में बदलेंगे? टुमारो को किस में बदलेंगे बोलिए? तो टुमारो को किसमें बदलें? द नेक्स्ट डे. या फिर इसमें और भी करते हैं, द डे बिफोर या फिर द डे आफ्टर, इस टाइप से इनको बदलने के तरीके होते हैं. डे बिफोर, डे आफ्टर, इस टाइप से बोल देते हैं. लेकिन हम इसको क्या बदलेंगे? द नेक्स्ट डे ही करेंगे, अदरवाइज इस प्रॉब्लम में आपको नहीं पढ़ना है. और अब हम करते हैं और दिस को किसमें बदलेंगे? दैट. इसको दैट में बदला तो दिस, हाँ दीज को किस में बदलेंगे? दीज को हम बदलेंगे दोज में. और इसके अलावा बहुत ऐसे होते हैं, हेयर को किस में बदलेंगे? हेयर को हम बदलेंगे देयर में. स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि जब मैं इनको चेंज कर रहा हूँ, इनके पेयर है जो जोड़े हैं, जैसे मैं बोलता हूँ टू डे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे, दैट, दोज, देयर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बीच में रुक रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ आपको कि ताकि मेरे लिखने से पहले आप बोले, बिकॉज आप पहले ये चीजें देख चुके हो, तो आप इससे पहले बोलोगे तो आपका रिविजन और भी शानदार होगा. तो आप इसमें लिखें नाउ को देन तस सो, कुछ और लिख रहा हूं इस बॉक्स में, कम गो ago before normal यही होते हैं. कुछ जगह छोड़ देना फिर भी कोई आता है तो हम क्या करेंगे इसमें. ओके तो अब स्टूडेंट्स इनको इस टाइप से चेंज करना है. फिर देखें अब आता है रूल यूज ऑफ कंजंक्शन.
अब देखो कंजंक्शन का यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉरी यूज ऑफ दैट, दैट का यूज कैसे करेंगे हम ये बात कर रहे हैं। तो इसमें आप नोट कर सकते हो साथ के साथ कि दैट का यूज कैसे करेंगे। तो देखो यदि रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए, को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है, कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है तथा कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा हटा दिए जाते हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को क्या काट देते हैं मतलब हटा देते हैं। और फिर ध्यान रहे जब दैट का यूज करेंगे तो राम सेड टू मी, आई सेड टू हिम, सेड टू आ रहा है तो उसको चेंज कैसे करेंगे। देखो अगर से टू हो तो उसका चेंज करते हैं हम टेल में, से के साथ एस लगा दिया सेल्स टू, सेल्स टू तो हो गया टेल्स। अब इसकी सेकंड फॉर्म आ गई सेड टू तो क्या हो जाएगा टॉल्ड। अब ध्यान रहे टू इनके साथ ही कन्वर्ट हो रहा है तो टेल्स टू, टेल टू, टॉल्ड टू लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज टू को ऑलरेडी हम टॉल्ड में ही चेंज कर चुके हैं। ओके अब हम बात करते हैं कोई एग्जाम्पल चेंज करेंगे जो इसमें। अब एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, शी सेड टू मी योर ब्रदर इज प्लेइंग हियर। अब इसको चेंज करना है अपने इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मतलब रिपोर्टेड स्पीच शुरू किससे हो रही, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है योर ब्रदर, ये कंप्लीट क्या है सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे खेल रहा है, खेल रहा है, सब्जेक्ट निकालना है तो सब्जेक्ट निकालना है तो अपने हु लगा के निकालते हैं ना, इज प्लेइंग है तो हु लगा, हु इज प्लेइंग है, कौन खेल रहा है यहाँ पे, योर ब्रदर इज प्लेइंग हर, आपका भाई यहाँ पे खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या है सब्जेक्ट इसका कौन निकल रहा है योर ब्रदर। तो अपने देखो रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है तो कंजंक्शन दैट का यूज होता है, सेड टू को टॉल्ड में बदलते हैं, यही बोला था तो अपने क्या करेंगे शी। अब अगर सेट टू, अब रूल पढ़ो एक एक करके रूल पढ़ते जाएंगे, ध्यान रखना ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होएंगे, तो एक एक करके रूल पढ़ते जाओ, शी सेट टू को किसमें बदलेंगे टॉल्ड मी। और अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है अपने रिपोर्टेड स्पीच, तो क्या लिखा था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे दैट, तो देखो जोड़ा यहां से जाएगा तो That. जब that का यूज करेंगे तो क्या बोला था कोमा और ये जो इन्वर्टेड कोमा इनको हटा देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा that. अब देखो योर ब्रदर, योर किससे बना है यू से, यू से क्या बना है योर, योर कौन सा केस है यू का पोजेसिव केस है, तो अब देखो अगर यहाँ पे यू होता तो यू कौन सा पर्सन था सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सेम पर्सन जो यहाँ पे था इसका वो पर्सन लगा देते हैं, सॉरी वो केस जो केस यहाँ पे इसका वो केस लगा देते हैं। तो अब देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा तो यहाँ पे सेकंड पर्सन का केस कौन सा है पॉजेसिव केस, तो हम ऑब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लगा देंगे, तो देखो आई मी माई, ऑब्जेक्ट क्या मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है माई होता है, टेबल में देखो तो दैट क्या जाएगा दैट क्या माई ब्रदर। और देखो इज एम आर को किसमें चेंज करते हैं वाज वर्ब में करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाज प्लेइंग हियर को किसमें चेंज करते हैं देयर में, अदर सम अदर चेंज में बताया था हियर को देयर में चेंज करते हैं, तो यही चीज थी इसमें। अब एग्जांपल को चौर करते हैं आई सेड टू हर Your sister was playing
होम कर देते हैं, एट माई होम एट दिस टाइम यस्टरडे। अब इसको चेंज करना है, काफी लंबा सेंटेंस हो गया, चलो करते हैं। तो अब देखो आई आई का आई आ जाएगा सेम, सेट टू को किसमें बदलेंगे, टॉल्ड, फिर हर, यहाँ पे क्या लगेगा साथ के साथ रिवीजन करते जाए, बोलते जाए दैट योर सिस्टर, योर सिस्टर यू से बना, योर सेकंड पर्सन यू का पजेसिव प्लस योर तो सेकंड पर्सन है तो हर के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। तो अब देखो हर का पजेसिव प्लस क्या हो जाएगा, हर ही होएगा, हर सिस्टर वॉज प्लेइंग, वॉज वर्ब को किसमें बदलते हैं, हैड बीन में, टेबल में देखो हैड बीन प्लेइंग विद मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगाने तो मी का मी रहेगा, मी एट माय होम एंड दिस को किसमें बदलते हैं दैट टाइम यस्टरडे, यस्टरडे नहीं लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो स्टूडेंट्स ये था इसका सेंटेंस चेंज करने का तरीका, इसको एक बार और देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आगे इसके और एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, said to me I can lift this heavy box, this literally sorry this, ab dekho he told me that I first person he ke according change hoega, he can ko kisme change karenge could, fir dekho lift lift first form hai to aapko bola tha na first form ko kisme change karna second form hai, to kai log lift ko lifted karte hain ki nahi karoge because ye kya hai modal hai, मॉडल चेंज हो गया तो मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लिफ्ट दिस को किस में करेंगे दैट हैवी बॉक्स। ओके अब बात ये स्टूडेंट्स जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है बीच में कैसे भी है आपको किसी भी दिन टेस्ट का बोल दिया जा सकता है कि आपको इसका टेस्ट मिलेगा, ग्रुप में आपके टेस्ट डाल दिया जाएगा और आप क्या करोगे उसके साथ उसके आंसर करके उसकी आंसर शीट आप सभी को पर्सनली भेजनी होगी अपने अलग अलग बना के। ओके तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे हम राम सैड टू मी आई एम नॉट प्लेइंग विद यू, तो आप देखो राम सैड टू को किसमें बदलेंगे टॉल्ड मी दैट, यहां तक तो कंप्लीट है किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट स्पीच का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो इसका सब्जेक्ट कौन है राम, तो राम तो क्या एक नाउन है लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ही, इस मार्क को इसमें बदलते हैं वॉज वर्ब में वॉज नॉट प्लेइंग विद, अब देखो यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहां ऑब्जेक्ट ही लग रहा है, देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो मी का मी। ओके okay?